दोस्तों हमारा आज का वीडियो उन दो लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिनके नाम का पहला अक्षर एस या फिर बी से शुरू होता है और आज हम आपको कि इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के प्रति कैसी रहती है और वीडियो देखने बाद आखिर में आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। तो आइए फिर चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं अपने कई वीडियो में बता भी चुका हूं कि एस अक्षर वाले प्यार के मामले में काफी शर्मीले होते हैं और इनका प्यार काफी धीमी गति से स्टार होता है और वहीं बी अक्षर वालों के साथ तो ये है कि ये प्यार व्यार के चक्कर में जल्दी नहीं फंसते। और यहाँ पर आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी जरूर लग रही होगी लेकिन इसके पीछे का रीजन भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं और वो ये है कि प्यार में जल्दी ना पड़ने के पीछे इनका अपना सुपर फास्ट दिमाग होता है जो इनको हमेशा ये रोकता रहता है और इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे समय को खराब करेगी। तो अब दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि इतना कुछ दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद भी ये कई बार सामने वाले के प्यार के रंग में कैसे रंग जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये मानते होंगे कि प्यार में एक बहुत ही बड़ी पावर होती है और ये किसी को भी तोड़ सकती है या फिर किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होता है और अगर इनके सामने वाले ने इनके साथ कुछ अगर ढंग का प्यार दिखा दिया तो वहीं पर इनका दिमाग हो जाता है फेल और फिर यहीं से शुरू होता है इनका प्यार भरा सफर। और सफर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि आए दिन की तू मैं एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे पे हमेशा ब्लेम करना और ना जाने क्या क्या। और इन सभी बातों पीछे जिम्मेदार दोस्तों ज्यादातर दोनों ही होते हैं क्योंकि एक को जहां पर ये लगता है कि मैं पूरे दिल से काम ले रहा हूं और सामने वाला दिमाग से, और जबकि ऐसा नहीं है, दूसरा भी आपके साथ पूरे दिल से जुड़ा हुआ है, बस फर्क इतना सा है कि वो हर वक्त आपके साथ प्यार भरी दिन भर बातें नहीं कर सकता है और जिसकी वजह से सामने वाले को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर कहीं दूसरी जगह इंगेज है। और वहीं दूसरे को ये लगता है कि शक की बुनियाद पर हमेशा हम पर ब्लेम हुआ करता है। और यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मामले बिल्कुल नीट और क्लीन ही होते हैं। हाँ, इनको भी कई बार ऐसा शक होता है लेकिन ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कई बार ऐसी बातों को अवॉइड मानना ज्यादा उचित समझते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बात को ज्यादा आगे बढ़ाने मतलब ये है कि आज जो ये रिश्ता बड़ी मुश्किलों के बाद बना है उसमें किसी प्रकार का ब्रेक ना लग जाए। और वहीं ऐसे वाले सभी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, इनको तो बस अपने पार्टनर की हर पल हर वक्त हर घड़ी की खबर चाहिए चाहिए होती है। और कहीं किसी वक्त सामने वाले फोन इंगेज चला गया या किसी और कारण की वजह से बात ना हो पाई तो या तो फिर यहाँ पर शक होगा या फिर इनका पुराना डायलॉग होगा कि अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। और इन सभी बातों पीछे दोस्तों इनके अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा प्यार होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आखिर में इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, इनकी लव स्टोरी का एंड कुछ यूं है कि इनकी लव स्टोरी का एंड कुछ है ही नहीं और ये भी एक दूसरे के साथ प्यार भरी तू मैं करते करते एक दूसरे के साथ पूरे का पूरा जीवन बिता देते हैं।